सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन में सर्च करना है MSU वेब, और जो पहला लिंक आएगा MSUweb.in यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन। फिर आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, प्राइवेट स्टूडेंट लॉगिन और रेगुलर स्टूडेंट लॉगिन। आपको रेगुलर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रेगुलर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगी जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, फिर अपना पासवर्ड टाइप करना है, इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप अपने फॉर्म का पासवर्ड भूल गए हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप वो वीडियो देखकर अपने फॉर्म का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी पर आपसे मंगा सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं अकाउंट डिटेल्स, आपको अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर जो आपकी बैंक पासबुक में आपका नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना खाता संख्या टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर बैंक नेम में जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। ब्रांच नेम, जिस शाखा में आपका खाता है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। फिर आपको बैंक पासबुक की जो फोटोकॉपी है या बैंक पासबुक को आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और जो आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट जमा हुआ है वो आपका अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सुप्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी समय पर मिलती रहे।